the top stories for today are, is it time for wedding bells to ring for Sonakshi Sinha? Famous numerologist Sanjay Jumani ka Ranbir Katrina ke upar kiya gaya prediction sabit hua galat. Aur hot Sunny Leone karengi spot boy ke saath ek hot hot mulaqat. Hello everyone, here's wishing all of yours a very happy Republic Day. मैं हूँ संज्ञा और आप देख रहे हैं स्पॉट बॉय सब कुछ बॉलीवुड। सोनाक्षी सिन्हा जल्द दे सकती हैं हमें गुड न्यूज। नहीं, वो कोई नई फिल्म या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या एक और सिंगल रिलीज नहीं करने वाली हैं, बल्कि वो तो सिंगल से डबल होने की सोच रही हैं। वेल यस, गॉसिप वर्ल्ड में खबर गरम है कि शायद सोना बेबी जल्द शादी कर लें, बट कौन है वो लकी गाय? ये जानने के लिए देखिए हमारी टॉप स्टोरी। सोनाक्षी सिन्हा एंजॉय कर रही हैं हर टाइम इन द सन। सोनाक्षी की फिल्मी किटी है फुल ऑफ ऑफर। सो क्या इसका मतलब है कि शी हैज नो टाइम फॉर लव? क्वाइट द ऑपोजिट इन फैक्ट। सोनाक्षी रिकिंडल कर रही है रोमांस विद एन एक्स बॉयफ्रेंड। सोना की लाइफ में फिर से आ गए हैं बंटी सचदेव। बंटी है अ सेलिब्रिटी मैनेजर जिन्होंने पहले डेट किया है सुष्मिता सेन और नेहा धूपिया को। सोनाक्षी और बंटी थे एन आइटम इन 2012। दे इवेंचुअली ब्रोक अप और सोनाक्षी डेट करने लगी अर्जुन कपूर को। बट नाउ इट्स ऑन। स्पॉट बॉय वॉज द फर्स्ट टू टेल यू कि बंटी एंड सोनाक्षी दिखे एंजॉयिंग अ नाइट आउट इन मुंबई। सोनाक्षी और बंटी स्पेंड कर रहे हैं टाइम अलोन एज अ कपल एंड आल्सो क्लोज फ्रेंड्स के साथ। अ सोर्स टोल्ड स्पॉट बॉय, बोथ सोनाक्षी एंड बंटी रियलाइज दैट द फीलिंग्स दे हैड फॉर ईच अदर वर इनक्रेडिबली स्पेशल। एंड स्पॉट बॉय को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि अ पार्ट ऑफ दैट प्लान इज मैरिज। बंटी असली सोना के प्यार में पड़ गए हैं कुछ इस तरह दैट ही इज प्रपोजिंग मैरिज। यस, मैरिज। सोनाक्षी दे रही है रिलेशनशिप को अ सीरियस थॉट, पर मैरिज ने डाल दिया है सोना को कॉन्फ्लिक्ट में। द सोर्स टोल्ड अस इट इज अ क्विंटेसेंशियल प्रॉब्लम ऑफ अ वुमन टॉर्न बिटवीन लव एंड करियर। द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स शुड डिटरमिन वेयर दिस लव स्टोरी इज हेडेड। और स्पॉट बॉय होगा ऑन द सीन टू टेल यू कि इस लव स्टोरी में क्या होगा नेक्स्ट। आपको याद होगा कि इस न्यू ईयर्स पर फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट संजय जुमानी ने किया था स्पॉट बॉय पर एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन अबाउट रणबीर एंड कटरीनाज रिलेशनशिप, बट उनका तो हो गया ब्रेकअप। तो अब क्या कहना है संजय जुमानी का इस ब्रेकअप पर, आइए देखते हैं। संजय ने हमसे जनवरी में बात की थी और उनका इस कपल के लिए प्रेडिक्शन ये था। रणबीर कपूर एंड कटरीना कैफ आर गवर्न्ड बाय नंबर 1 and 7, 1 Sun, 7 Neptune, अ वेरी गुड हार्मोनियस पेयर। जब उनकी पहली जोड़ी लाइमलाइट में आई थी मैंने प्रिडिक्ट किया दे विल बी देयर टुगेदर। जब ब्रेक ऑफ हो गया उनका तभी भी मैंने कहा कि आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट दे ब्रोक ऑफ, लेकिन फिर पैचअप हो गया उनका। ये थी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट संजय जुमानी की प्रिडिक्शन अबाउट बॉलीवुड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्स कपल यानी रणबीर एंड कटरीना, जो ऑब्वियसली प्रूव हो गई है रॉन्ग एज अ कपल जस्ट ब्रोक अप। और यही बात संजय ने एडमिट की कि कहानी थोड़ी अलग है और जो उन्होंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, एक्चुअली उसका अलग ही चक्कर है। मैंने ये भी बोला था ना, फ्लर्टेशी साइड है रणबीर कपूर का, वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि शुक्र है स्ट्रांग है उनका एकदम। हमने उनसे पूछा कि क्या ये ब्रेकअप की न्यूज उनके लिए सरप्राइज थी। संजय ने कहा, Yeah, because not exactly like a big surprise because they had broken up earlier also and ये element उनका match नहीं हो रहा है, एक water sign है दूसरा air sign है, और रणबीर कपूर का नाम always it spell trouble 40 number। Well, situation तो एकदम बदल गई जैसे ही January खत्म होने आया। Reasons तो अभी भी speculate हो रहे हैं और लगता है दोनों के तारे अभी फिलहाल match नहीं कर रहे हैं। और अब वक्त आ गया है थोड़ी सी मस्ती करने का, क्योंकि मेरे को होस्ट शार्दुल पहुंच गए हैं सनी लियोनी के पास। और जब स्क्रीन पर हो सनी लियोनी तो एक्साइटमेंट लेवल तो वैसे ही हाई रहता है। तो आइए आपको दिखाते हैं अ स्नीक पीक ऑफ दिस इंटरव्यू व्हाइल यू कैन वॉच द अनकट वर्जन ऑन आवर पोर्टल spotboy.com। नॉर्मली मैं हमेशा इंटरव्यू शुरू करने से पहले रैप करता हूँ, बट यू नो व्हेन आई सी हर आई कंप्लीटली लूज माय माइंड। आई जस्ट हैव टू से वन थिंग, आई लव यू। We have Sunny Leone with us once again. Welcome to Spot Boy with Thank me, Shardul Sunny. How's it been going for you?
great. There's a lot of amazing things happening, so I'm very excited for this movie release, and I hope it does really good. Not just you, everybody is very excited, and you know the boys are very excited for the film. All right, पहली बार लैला और लिली हमारे साथ खेलने वाली हैं the Whisper Challenge. इन्हें कुछ नहीं पता चला है. Can you understand what I'm saying? No, you can't. All right. So now I'm going to say the words which you have to guess. All right. First word is peanut butter. Peanut butter. Peanut butter. Oh wow, she's amazing with that. You guessed the first one correctly. Very good. No, wait. Okay. There's more. Iced latte. I'm gonna go faster. Iced latte. What? Iced latte. Iced latte. No? All I can think of is a very bad word, which I can't say on TV. What? Which one? And no, it is not that one. It is not that one. All right. So one you've got and one you haven't. The next one. Whipped cream. Whipped cream. Oh, whipped cream. Yeah, you heard me. Huh? Can you hear me? What? She can't hear me. She definitely can't hear me. All right. Pumpkin pie. Pumpkin pie. I'm just messing with you. Pumpkin pie. Baseball bat? No. Fourth one. Sunny Leone. She can't even think. Sunny Leone. Can't guess your name. Alright, you need to take that off now. You can take that off. I really can't hear you. I just gonna tell you, the last one was your name and you couldn't even guess your name. But the first because one you're was like... brilliant. Yeah, that's why I was just messing with you. I was like, because you guessed the first one so fast, let's just switch this off. So this was the very fun game with Sunny Leone. Are you into playing games and all? Did you play a lot of games on the sets of the film? Actually, I didn't play a lot of games because we were always messing around and we were in Pattaya. It was beautiful. It was either raining or it was gorgeous outside. And myself, Veer, Tushar, Milap, Rangita, the rest of the cast, Shah, everybody, we would all just hang out and have a good time. What do I do with this girl? She's the nicest girl I have ever met. And you know, you see this image. Thank you so much for being with us. Thank you. Best of luck for Mastiza. Thank you. इंडस्ट्री में आजकल जहां देखो वहां या तो ब्रेकअप्स या तो डिवोर्सेस की खबरें आ रही हैं। लास्ट फ्यू मंथ्स में कितने ही डिवोर्सेस हुए और कितने ही ब्रेकअप्स हुए, चलिए आपको भी दिखाते हैं एक राउंड अप ऑन इंडस्ट्रीज मोस्ट शॉकिंग स्प्लिट्स रिसेंटली। शायद 2016 इज नॉट द ईयर फॉर लव। साल शुरू हुआ नहीं कि फरहान और अधुना अख्तर ने शादी के 15 साल बाद अपना स्प्लिट अनाउंस किया। रिपोर्ट्स की माने तो फरहान और अधुना अख्तर के बीच आई अदिति राव हैदरी। फरहान के अफेयर्स की खबरें काफी टाइम तक चल रही थी, पर अब लगता है अधुना हैड इनफ एंड द टू आर स्प्लिटिंग। पर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम बॉलीवुड डील कर रहा है विद द पति पत्नी और वो सिचुएशन। लगता था कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी है रॉक सॉलिड। हाउएवर जब वक्त आया टू शूट फॉर काइट तो ऋतिक नहीं रेजिस्ट कर पाए द चार्म्स ऑफ मेक्सिकन ब्यूटी बारबरा मोरे। रिपोर्ट्स थे कि देवर इन्वॉल्वड इन अ टॉरिड अफेयर और इस वजह से सुजैन लेफ्ट ऋतिक। दोनों ने दिया रिलेशनशिप को अनदर शॉट पर कुड नॉट वर्क इट आउट और 2013 में दे पार्टेड वे। सुजैन और ऋतिक का रिश्ता क्या टूटा कि सुजैन फाउंड हरसेल्फ इन अ पोजीशन ऑफ द अदर वुमन। अर्जुन रामपाल एंड मिहिर जेसिया भले ही दुनिया को दिखा रहे हैं दैट ऑल इज वेल, पर इट्स नो बिग सीक्रेट कि सुजैन ने क्रिएट किया रिफ्ट इन देयर मैरिज। अगर ऐसा नहीं होता तो स्पॉट बॉय कैसे एक्सक्लूसिवली बस करता अर्जुन और सुजैन की कोजी कॉफी डे। पुलकित सम्राट और सलमान खान की राखी सिस्टर श्वेता रोहिरा seem to have a strong marriage until Pulkit Sanam Ray ke liye shoot karne lage. Pulkit par gaye co-star Yami Gautam ke pyar mein kuch is tarah ki he separated from wife Shweta. Tab se Salman has been trying to drill sense into Pulkit. Aakhir Pulkit kis ki baat manenge, Salman ya Yami? अनुराग कश्यप और कालकी कोचलिन का प्यार शुरू हुआ ऑन द सेट्स ऑफ देवडी फॉलोड बाय अ हश हश शादी।
पर उनका ब्रेकअप वॉज एनी थिंग बट हश हश थैंक्स टू रूमर्स ऑफ अनुराग्स क्लोजनेस विद उमा कुरेशी. That's all for now. This is me, Sangya, signing off. Stay connected to Spotboy, Sab Kuch Bollywood by logging on to our website and on our YouTube channel. Update kariye hamara free app on your Android and iOS. And for those of you who don't have it yet, download it now. We're also on Facebook and Twitter. See you!